अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम काफी टाइम्स एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो T2 स्पेस का एक दूसरा नाम भी होता है हाउस डोर ऑफ स्पेस। T2 स्पेस का दूसरा नाम क्या होता है? हाउस डोर ऑफ स्पेस। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है वो वर्ड हाउस डोर ऑफ स्पेस दे दे। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T2 स्पेस है, तो फिर उस स्पेस में प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखेगी, बट कन्वर्स टू नहीं है। कन्वर्स क्या है? अगर किसी स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखती है, तो जरूरी नहीं है वो स्पेस T2 स्पेस होगा। तो हमें यहां पर T2 स्पेस ले लिया, इन T2 स्पेस, तो हमने एक T2 स्पेस ले लिया और हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमने मान लिया कि इस T2 स्पेस कैपिटल एक्स में एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो दो लिमिट दो पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है, यानी उसकी यूनिक लिमिट नहीं है। दो डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट लिमिट्स रखती है, एक एक्स और एक एक्स स्टार, या तो यूं कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि वो सीक्वेंस डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही है। अब एक्स वन और एक्स टू स्टार कैपिटल एक्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं और कैपिटल एक्स टी टू स्पेस है, तो टी टू स्पेस है तो फिर डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी। दो डिसजॉइंट ओपन सेट इस तरह मिलेंगे, जी और जी स्टार, कि पहला ओपन सेट पहले पॉइंट को कंटेन कर लेगा, दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को कंटेन कर लेगा। अब यहां पर मैंने डेफिनेशन में बताया था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में, कि ये वहां ऊपर लिखा हुआ है कि ये सीक्वेंस एक्स और एक्स स्टार को कन्वर्ज कर रही है पॉइंट्स को, तो ये सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है। और ये यहां पर हमारे पास एक ओपन सेट जी है जो इस एक्स पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो फिर डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी। अगर ये इसको कन्वर्ज कर रही है तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एम जरूर मिला होगा, जिसके उस पॉइंट के बाद की सारी टर्म्स उस हर ओपन सेट में चली गई होंगी जो एक्स पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट कर जाएगा, उसका नोटेशन हम वो ले लिया सच दैट। अगेन ये सीक्वेंस एक्स स्टार को कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी बाद वाली कंडीशन। तो बाद वाली कंडीशन ये थी कि एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एम मिल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जी स्टार ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स स्टार, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एम टू मिलेगा, सच दैट कि एम टू और एम टू के बाद की सारी जो टर्म्स हैं जो जी स्टार सेट में चली जाएंगी। अब मैंने मान लिया कि एम वन की वैल्यू 5 है और एम टू की वैल्यू 10 है, तो अब ये बताओ इसमें 10 या 10 के बाद की टर्म्स आ रही हैं और इस जी सेट में 5 या 5 के बाद की टर्म्स आ रही हैं, तो ऐसा इन दोनों का एम वन और एम टू का कॉमन क्या लें कि दोनों दोनों सेट में आ जाएं वो टर्म्स। तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 लेता हूँ इन दोनों का मिनिमम एम वन और एम टू का, तो 5 के बाद की टर्म्स इस 5 या 5 के बाद की टर्म्स इसमें तो आ रही हैं लेकिन इसमें नहीं आ रही, क्योंकि इसमें तो 10 के बाद की टर्म्स आ रही हैं। तो फिर यहाँ पर इन दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम 10 आ जाएगा, तो 10 या 10 के बाद की टर्म्स इस सेट में है, क्योंकि इसमें 5 या 5 से बाद की हैं और इसमें तो है ही 10 या 10 के बाद की टर्म्स, तो यहाँ पर फिर इन दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम होगा, तो इस एम के बाद की जो टर्म्स होंगी वो जी में भी चले जाएंगे और जी स्टार में भी। तो फिर एम या एम के बाद की सारी टर्म्स जी में भी हैं जी स्टार में, फिर उनके इंटरसेक्शन में भी होगी, तो फिर ये सेट नॉन एम्प्टी हो गया इंटरसेक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन।
क्योंकि हमने तो ये मान रखा था कि जी और जी स्टार डिजॉइंट ओपन सेट्स हैं, तो आवर अजम्पशन इज रोंग। हमारा कौन सा अजम्पशन रोंग हो गया कि जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट टू लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही है, तो अजम्पशन रोंग हो गया। तो फिर इसका मतलब जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी टी टू स्पेस में वो सिर्फ यूनिक लिमिट ही रखेगी, लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। ये सिर्फ आपको एक काउंटर एग्जांपल ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखती है तो ज़रूरी नहीं है वो स्पेस टी टू स्पेस होगा। यहाँ पर एक ये एग्जांपल याद रखना है, इसका प्रूफ काफ़ी लेंदी है, 3-4 पेज का, सिर्फ आप ये एक काउंटर एग्जांपल याद रखना कि अनकाउंटेबल सेट है और इसके ऊपर को काउंटेबल टोपोलॉजी है इस एक्स सेट के ऊपर, तो देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हैज ए यूनिक लिमिट बट इज नॉट टी टू स्पेस, ये टी टू स्पेस नहीं होगा। इसका ये टी टू स्पेस नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन वैसे ही मान लेना कि ये टी टू स्पेस है और फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है